प्यारे बच्चों, अब हम सभी संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और समझें। चित्राणि पश्यन्तु वाक्यानि च पठन्तु। चित्र को देखें और वाक्य को पढ़ें। ऐसा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, शिक्षिका है, एष छात्र, यह छात्र है, एतत् पुस्तकम्, यह पुस्तक है। एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम् आनयति, यह शिक्षिका छात्र के लिए पुस्तक लाती है। एवमेव एषा अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम् आनयति, उसी प्रकार यह शिक्षिका छात्रायै पुस्तकम् आनयति, छात्र के लिए पुस्तक लाती हैं। सः छात्रः परीक्षायै पठति, वह छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है। सा छात्रा स्पर्धायै धावति, वह छात्रा स्पर्धा के लिए, खेल कूद के लिए दौड़ती है। सः बालकः क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालिका खेलने के लिए जाती हैं। आगे देखें और समझें। अधुना उपरि लिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नान् उत्तराणि लिखन्तु। अध्यापिका कस्मै पुस्तकम् आनयति, अध्यापिका किसके लिए पुस्तक लाती है? तो इसका उत्तर है छात्राय, छात्र के लिए। कस्मै चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, छात्राय छात्र के लिए यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक अध्यापिका कस्यै पुस्तकम् आनयति, शिक्षिका किसके लिए पुस्तक लाती है? उत्तर छात्रायै पुस्तकम् आनयति। तो कस्यै चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, छात्रायै संप्रदान कारक। छात्रः कस्यै पठति, छात्र किसके लिए पढ़ता है? परीक्षायै परीक्षा के लिए। तो प्रश्न और उत्तर दोनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात संप्रदान कारक। इसी प्रकार बालिका किमर्थम गच्छति, बालिका क्यों जाती है? क्रीडनाय गच्छति, बालिका खेलने के लिए जाती है। यहाँ पे हम सब क्या देखते हैं? अत्र वयम किम पश्यामः, अत्र वयम पश्यामः, यहाँ पे हम सभी देखते हैं कर्ता यदर्थ, कर्ता जिसके लिए कार्यम करोति, कर्ता कर अर्थात करने वाला जिसके लिए काम करता है। यथा जैसे छात्राय छात्रायै परीक्षायै स्पर्धायै क्रीडनाय, अत्र च चतुर्थी विभक्ति युक्ता अस्ति। एतेषु पदेषु संप्रदान कारकम् अस्ति, इन सारे पदों में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। यत्र संप्रदान कारकम् भवति चत्र तत्र चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पे संप्रदान कारक होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। तो बच्चों, आप सभी ने संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा और जाना। आप सभी इसे ध्यान पूर्वक समझें और दूसरे वाक्य खुद से बनाने का प्रयास करें और देखें कि आप सबने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना सीखा या नहीं। बस आज के लिए इतना ही।